कर्नाटक से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। मालूम हो कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान बजरंगबली काफी चर्चा में रहे थे। बीजेपी ने इसे बड़ा मुद्दा भी बनाया था। पीएम मोदी ने तो कई रैलियों की शुरुआत जय बजरंगबली के नारे से भी की थी। लेकिन अब रिजल्ट में जब कांग्रेस को बहुमत मिलता दिख रहा है तो ऐसे में एक कांग्रेस कार्यकर्ता बजरंगबली की वेशभूषा में कांग्रेस दफ्तर पहुंचा है। जी हाँ, ये बड़ी खबर आपको बता दें, कर्नाटक से आ रही है, जहां पर एक कांग्रेस कार्यकर्ता बजरंगबली की वेशभूषा में कांग्रेस दफ्तर पहुंचा हुआ दिखा। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान बजरंगबली काफी चर्चा में थे। ये एक बड़ा मुद्दा बन गया था। पीएम मोदी ने अपने रैलियों के दौरान जय बजरंगबली के नारे भी लगाए थे। लेकिन आज 13 मई को मतगणना हो रही है, इस दौरान कांग्रेस को बहुमत मिलता दिख रहा है, तो ऐसे में एक कांग्रेस कार्यकर्ता ने बजरंगबली की वेशभूषा अपना कर कांग्रेस दफ्तर पहुंचा है, जो इस वक्त काफी सुर्खियों में बना हुआ है। इंडिया 24x7 लाइव टीवी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।